क्लास टू मैथ्स रिविजन ऑफ चैप्टर एट शेप्स एंड पैटर्न स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम शेप्स और पैटर्न सीखेंगे देखो वार्म अप में आपको दिया गया है नीचे एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें बहुत सारी शेप्स का यूज हुआ है आपको इस पिक्चर को कलर करना है देखो कलर कैसे करना है जहाँ जहाँ पे ट्राइंगल्स यूज़ हुए हैं आप उसमें ग्रीन कलर करोगे स्क्वेयर्स में रेड सर्कल में येलो और जो रेक्टेंगल है उसमें ब्लू तो देखो इस तरीके से आपकी पिक्चर रेडी हो जाएगी आपने इसे कर भी रखा होगा तो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं करा है वो इसे इसेप करेंगे अब अभी पार्ट में देखो आपको मैच करना है ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं और नीचे उनकी शेप लिखी है तो आपको उन ऑब्जेक्ट्स की जो शेप है वो पता करनी है और उससे सही से मैच करना है जैसे फर्स्ट चॉक बॉक्स है आपका तो देखो ये जो शेप है ये क्यूब शेप का है तो क्यूब से मैच करो आपका टोमेटो स्पेयर शेप में है सेल है आपका सिलेंडर शेप मैच बॉक्स क्यूबॉइड और ये आइसक्रीम है कौन शेप में तो देखो ये सभी सॉलिड शेप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको इनकी जो शेप है उससे इसे मैच करना है आगे देखो आपको दिया गया है लाइन्स स्ट्रेट एंड कर्व लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स होती हैं बिल्कुल सीधी लाइन्स और कर्व लाइन्स होती हैं इन्हें फनी लाइन्स भी कहते हैं ये आड़ी तिरछी ये मुड़ी हुई गोल गोल घूमी हुई लाइन्स होती हैं इस टाइप से होती हैं ये इन्हें कैसे भी ड्रॉ किया जा सकता है तो ये सब ये आपकी कर्व लाइंस हैं अब देखो स्ट्रेट लाइन्स के भी टाइप्स हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड स्लैंड देखो इस तरीके से जो आपकी स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन ड्रॉ होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और इस तरीके से जो लंबाई खड़ी होती है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है और इस तरीके से जो होती है ये आपकी स्ट्रेट स्लैंटिंग लाइन होती है स्टूडेंट्स या लाइन्स हुई अब आती है आपकी एक्सरसाइज एट पॉइंट वन इसमें देखो नीचे एक हट की पिक्चर बनी हुई है आपको क्या करना है इस हट को बनाने में कितनी कर्व हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्लैंटिंग लाइन्स का यूज़ हुआ है आपको वो काउंट करना है और उनका नंबर लिखना है जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी यूज़ हुई स्लैंटिंग लाइन्स कितनी यूज़ हुई वर्टिकल लाइन्स कितनी है कर्व लाइन्स कितनी है तो इस तरीके से आप इन्हें काउंट करोगे और इनका नंबर यहाँ पर लिखोगे देखो मैंने लिखा हुआ है ये हम कर भी चुके हैं हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी इस तरीके की लाइन स्लैंटिंग लाइंस होंगी ऐसी लाइंस वर्टिकल होंगी ऐसे लंबी खड़ी हुई और कर्ड आपकी ऐसी गोल गोल घूमी हुई देखो जैसे ये बनी हुई है कर्ड लाइंस हैं तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इसे पार्ट को करोगे अब बी पार्ट में देखो क्या करना है आपको एक पिक्चर बनी हुई डॉटेड है आपको इन डॉट्स को जॉइंट करना है ट्रेस करते हुए जाना है जो आपकी स्ट्रेट लाइन्स हैं उन्हें आप करोगे रेड ग्रोन से और जो कर्व लाइन्स है उन्हें ग्रीन ग्रोन से ट्रेस करोगे तो आपकी शेप कम्प्लीट हो जाएगी सॉरी पिक्चर कम्प्लीट हो जाएगी आगे आती है हैं शेप्स पहले हम बात करेंगे प्लेन शेप्स की प्लेन शेप्स में देखो फर्स्ट है आपका रेक्टेंगल रेक्टेंगल में फ़ोर साइड्स होती हैं फोर कॉर्नर्स होते हैं देखो तो जैसे देखो वन टू थ्री फोर ये फोर साइड्स हो गई और कॉर्नर्स होते हैं ये कोने जहाँ पे टू साइड्स मिलती हैं तो कॉर्नर्स भी इसमें फ़ोर हैं फिर है नेक्स्ट आपका स्क्वायर स्क्वायर भी देखो आपका इसमें भी फोर साइड्स होती हैं और फोर कॉर्नर्स होते हैं अब रैक्टेंगल स्क्वायर में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स रैक्ट स्क्वायेयर में क्या होता है जो चारों साइड्स होती हैं ये चारों साइड्स इक्वल्स होती हैं और रैक्टेंगल में क्या होता है जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती इनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होगी जबकि स्क्वायर में जो साइड पास चारों साइड्स होती हैं सबकी लेंथ इक्वल होती है फिर है आपका ओवल देखो ये इस टाइप का होता है ओवल शेप ये है ये एग जैसी होती है इसकी कोई साइड नहीं होती कोई कॉर्नर नहीं होता और ये राउंड राउंड होता है फिर है आपका सर्कल सर्कल में भी सेम ऐसा है नो साइड्स एंड नो कॉर्नर ये भी राउंड राउंड होता है अब आता है आपका ट्राइंगल ट्राइंगल में आपके थ्री साइड्स होते हैं और थ्री कॉर्नर्स देखो वन टू थ्री थ्री साइड थ्री लाइन से बना कॉर्नर्स देखो वन टू थ्री तो ये हुई आपकी प्लेन शेप अब एक्सरसाइज एट पॉइंट टू में आपको यही करना है नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं आपको उनकी शेप को पता आइडेंटिफाई करना है और उसका फर्स्ट लेटर लिखना लाइक स्क्वेयर like है तो एस रेक्टेंगल है तो आर ओवल है तो ओ सर्कल है तो सी तो जैसे फर्स्ट देखो एक क्लॉक दी गई है स्क्वेयर शेप में है लेटर एस लिखोगे फिर देखो एक एनवेलप है रेक्टेंगल शेप में है आर लिखोगे फिर देखो ये एग है ओवल शेप में ओ फिर देखो ये आपका काइट है स्क्वेयर शेप में एस फिर देखो ये सर्कल शेप में है ये ट्राइंगल शेप में है तो ऐसे आपको उन्हें आइडेंटिफाई करके फर्स्ट लेटर लिखना है नेक्स्ट आता है आपका थ्री डी शेप्स जिसे सॉलिड शेप्स भी कहा गया है देखो इनमें क्या होता है ये सॉलिड शेप्स जो होती हैं ये चपटी नहीं होती बिल्कुल ये ठो ये बिल्कुल ठोस होती हैं सॉलिड होती हैं भरी हुई हो होती हैं तो ये थ्रीडी शेप्स भी कह सकते हैं इन्हें हम तो देखो यहाँ पे आपको दिया भी गया है बॉल इरेजर बर्थडे कैप डाइस ये सभी आपकी सॉलिड शेप्स हैं इसमें देखो एजेस फेसेस और कॉर्नर्स होते हैं अब उनके बारे में पढ़ते हैं देखो फर्स्ट आपको दिया गया है क्यूब देखिए ये है आपका क्यूब इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको इससे पहले देखो जो बाहरी सतह होती है किसी भी सॉलिड शेप की वो उसका फेस होता है और जहाँ पे टू फेसेस मिलते हैं वो एज होता है लाइक like देखो ये आपका क्यूब शेप है तो देखो ये जो दिखाई दे रहा है हमें बाहरी फेस जो है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो देखो ये जो सभी होते हैं ये सभी इसके फेसेस होते हैं और जहाँ पे टू फेसेस मिलते हैं वो होते हैं एजेस अब देखो यहाँ पे दिया भी गया आपको देखो ये बना हुआ है इधर देखिए तो ये जो नज़र आ रहे हैं ये फेसिस हैं और एजेस देखो ये जहाँ पे ये टू फेसिस मिलते हैं वो एजेस होते हैं और ये कोने होते हैं ये कॉर्नर्स होते हैं इन्हें वर्टेक्स भी कहते हैं अब हम इनके एक एक के बारे में डिटेल से पूरी टेबल दी गई है आपको जैसे देखो क्यूब है फर्स्ट शेप आपका क्यूब में सिक्स फेसिस होते हैं ट्वेल्व एजिज होते हैं एट कॉर्नर्स होते हैं स्टूडेंट्स देखो मैंने फेसिस काउंट भी कराए थे आपको एजिज होंगे आपके जहाँ पे आपका टू फेसेस मिल रहे हैं जो ये लाइन्स होगी आप इन्हें काउंट कर लेना ये ट्वेल्व होते हैं कॉर्नर्स होते हैं आपके कोने जहाँ पे ये, है, 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 ये, ये पॉइंट्स है, तो हैं कोने हैं कॉर्नर्स हैं यही आपके कॉर्नर्स हैं फिर वॉल भी कहते हैं क्यों बॉइडियाँ भी सेम है सिक्स फेसेस ट्वेल्व एजेस एट कॉर्नर्स कॉर्नर्सर में देखो वन फेस होता है वन करड फेस कोई एज नहीं होता कोई कॉर्नर नहीं होता कॉर्न में देखो टू फेसेस होते हैं एक फेस तो देखो स्टूडेंट्स ये होता है कर्व फेस एक ही फ्लैट फेस होता है और देखो इसमें जो एज है वो वन होता है और कॉर्नर भी देखो वन होता है फिर सिलेंडर की बात करते हैं सिलेंडर में थ्री फेस होते हैं वन ये कर्ड फेस और ये एक ऊपर वाला एक नीचे वाला और एज होते हैं इसमें टू और देखो कॉर्नर कोई नहीं होता कोई कोना नहीं है तो ये आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी कौन सी सॉलिड शेप में कितने फेस एज और कॉर्नर होते हैं फिर आती है एट पॉइंट फ्री एक्सरसाइज इसमें देखो आपको टिक करना है सही ऑप्शन पे फर्स्ट दिया गया आई हैव ऑनली वन फेस आई एम अ डै क्यूब और स्पेयर देखो वन फेस होता है स्फेयर में स्फेयर टिक करोगे सेकेंड है आई हैव एट कॉर्नर्स आई एम हैवे क्यूबॉय कॉन तो एट कॉर्नर्स होते हैं क्यूबॉइड में तो आप क्यूबॉइड को टिक करोगे तो ऐसे ही आपको इसमें टिक करना है बी पार्ट में देखो कलर करना है आपको स्फेयर शेप में ब्लू सिलेंडर में रेड क्यूब में येलो क्यूबॉइड में पर्पल और कॉर्न में ग्रीन इन सभी ऑब्जेक्ट्स की शेप आइडेंटिफाई करोगे और आप इस अकॉर्डिंग में कलर करोगे सी पार्ट में देखो क्या करना है आपको यहाँ पे देखो कैस्ट्रल की पिक्चर दी गई है इसके जो तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है आपको बताना है प्लेन प्लेन है या सॉलिड शेप से बने हैं जैसे कैस्ट्रल का बेस है देखो प्लेन है पिलर और आउटर वॉल ऑफ कैस्ट्रल है सॉलिड है टावर सॉलिड है और रूफ इसकी प्लेन है तो आपको ऐसे फिल करना है अब आती है आपकी एक्सरसाइज एट इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स आपको एक टेबल दी गई है इसमें देखो आपके जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं आपको ये बताना है कि रोल करेंगे स्लाइड करेंगे या दोनों करेंगे जैसे देखो फर्स्ट ये कॉइन है तो कॉइन को अगर आप इस तरीके से नीचे डाल रहे हो डाउन में तो देखो ये रोलिंग करते हुए भी नीचे आएगा और अगर आप इसे लिटा के ऐसे फेक नीचे डाल रहे हो तो ये स्लाइड करते हुए भी, भी आएगा तो एक कॉइन रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों करेगा बोथ को टिक करो आपका देखो जिस जिस ऑब्जेक्ट का जो फेस है वो कर्ड है तो वो रोल करेगा और अगर उसका जो फेस है वो फ्लैट भी है तो वो स्लाइड भी करेगा और जिन ऑब्जेक्ट्स के फेस बिल्कुल फ्लैट होते हैं कर्ड नहीं होते वो स्लाइड करते हैं और जिन ऑब्जेक्ट्स के जो फेस हैं वो कर्ड होते हैं फ्लैट नहीं होते सिर्फ कर््ड होते हैं लाइक आपकी बॉल वो सिर्फ और सिर्फ रोलिंग करेगी लाइक देखो एप्पल है इसका जो इसकी जो इसे बनाने के लिए कर््ड लाइन यूज़ करी गई है इसका फेस कर्ड है तो ये रोल करेगा स्लाइड नहीं करेगा ब्रेक का फेस देखो ये एकदम स्ट्रेट है सीधा है फ्लैट है तो ये स्लाइड करेगा सिलेंडर में देखो कर्व फेस भी है और फ्लैट फेस भी है तो ये स्लाइड भी करेगा रोलिंग भी करेगा इस फुटबॉल में देखो कर्ट फेस है तो ये रोल करेगा डाइस में देखो कोई कर्ट फेस नहीं है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फ्लैट है एकदम ये बिल्कुल स्ट्रेट फेसिस है इसके सारे तो ये स्लाइड करेगा तो इस तरीके से आपको स्टेबल पर कंप्लीट करना है फिर आती है आपकी एक्सरसाइज एट पॉइंट फाइव इसमें आपको पैटर्न्स दिया गया स्टूडेंट्स देखो नीचे ए पार्ट में एक पिक यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स दिया गया है एक आपका स्क्वायर शेप में इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो रहे हैं आपको इन्हें पहचानना है अच्छे से इस पैटर्न को समझना है और उस अकॉर्डिंग इसमें कलर करना है जैसे देखो फर्स्ट ये पर्पल कलर है फिर आपका ब्लैंक था तो आपको पता लगाना है यहाँ ब्लैंक में कौन सा कलर आएगा तो देखो पर्पल और ग्रीन के बीच में यहाँ कहीं देखो देखो ये रहा आपका यहाँ पे देखो पर्पल कलर ये रहा पर्पल के बाद ऑरेंज आ रहा है तो आप यहाँ ऑरेंज फ़िल कर देना तो इस तरीके से आपको इन्हें पहचानना है समझना है और जो खाली बॉक्सेस है उनमें पैटर्न के अकॉर्डिंग कलर करना है बी पार्ट है मैं आपको पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है जैसे देखो यहाँ दी आ गया है वन डी देखो फ्लावर में वन पेटर है फिर टू फिर थ्री तो ऐसे ही इसे फॉलो कर दो सेकेंड वन भी ऐसे होगा थर्ड देखो हैप्पी फेस सेट फिर देखो इस तरीके से तो आप इसी को फॉलो कर दो फोर्थ में देखो एप्पल मैंगो एप्पल एप्पल के बाद देखो क्या आ रहा है आपका मैंगो आ रहा है तो आप मैंगो बनाओ एप्पल फिर मैंगो तो ये आपका शेप्स का पैटर्न हुआ अब आता है नंबर पैटर्न नंबर पैटर्न में स्टूडेंट्स नंबर को एक पैटर्न में अरेंज करा गया होता है उस पैटर्न को ही फॉलो करके आपको आगे की सीरीज कंप्लीट करनी होती है जैसे देखो फर्स्ट दिया गया है फाइव फोर नाइन एट थर्टीन ट्वेल्थ सेवनटीन तो यहाँ पे इस पैटर्न को समझो आप देखो फाइव फोर नाइन एट थर्टीन टवेल्व सेवेंटीन तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो फ़ाइव और फोर में वन का डिफरेंस आ रहा है वन का डिफरेंस आ गया अब देखो यहाँ पे जो फ़ोर और नाइन है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है फ़ाइव का डिफरेंस आ रहा है अब देखो फाइव और एट में वन का डिफरेंस आ गया एट और थर्टीन में देखो फाइव का डिफरेंस आ गया थर्टीन और ट्वेल्व में वन का डिफरेंस आ गया ट्वेल्व और सेवनटीन में फ़ाइव का डिफरेंस आ गया तो स्टूडेंट्स क्या करना है अब देखो सेवनटीन के बाद वन का डिफरेंस लाना है आपको लेकिन यहाँ पे आपने नोटिस भी करा होगा फ़ाइव के बाद सिक्स नहीं आ रहा है इसका प्रीवियस नंबर आ रहा है फोर तो यहाँ पे सेवनटीन का प्रीवियस नंबर लिखो सिक्सटीन अब सिक्सटीन के बाद फ़ाइव फाइव का डिफरेंस लाओ नंबर बताओ क्या आएगा सिक्सटीन के बाद सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आएगा आपका ट्वेंटी वन लिखो फिर वन का डिफरेंस लाना है तो ट्वेंटी टू नहीं प्रीवियस नंबर ट्वेंटी आएगा तो इस तरीके से पैटर्न देखो वन फाइव वन फाइव का बन रहा था इसे फॉलो करते हुए आगे के नंबर्स लिखोगे ऐसे देखो सेकेंड है थ्री फाइव एट टेन थर्टीन फिफ्टीन एटीन आगे के नंबर सीरीज कंप्लीट करो देखो थ्री और फाइव के बीच में टू का डिफरेंस फ़ाइव और एट में थ्री का डिफरेंस एट और टेन के बीच में टू का डिफरेंस टेन और थर्टीन में थ्री थर्टीन और फिफ्टीन में टू फिफ्टीन और एटीन में थ्री तो पहले टू का डिफरेंस फिर थ्री फिर टू फिर थ्री फिर टू फिर थ्री तो थ्री के बाद टू एटीन के बाद ट्वेंटी आ जाएगा टू का डिफरेंस हो गया फिर थ्री का डिफरेंस डाल दो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री आ जाएगा तो ऐसे आप इस पहले समझो कि नंबर्स को अरेंज कैसे किया गया है कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है कैसे इन्हें इन, इन्हें पैट इस पैटर्न में अरेंज करा गया है देन आपको आगे की नंबर सीरीज लिख के इसे कंप्लीट करना है ऐसे बी पार्ट में दिया गया देखो वन से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इन सभी नंबर्स को ऐड करने पर देखो आया फिफ्टी फिर इलेवन से ट्वेंटी तक के नंबर्स को ऐड करने पर आया वन हंड्रेड से थर्टी तक के नंबर्स को ऐड करने पर आया टू तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे वन हंड्रेड वन हंड्रेड बढ़ रहा है अब ऐसे ही देखो थर्टी अगर हम थर्टी वन से फोर्टी तक ऐड करते हैं तो थ्री हंड्रेड फिफ्टी बाय फाइव आएगा फोर्टी वन से अगर हम फिफ्टी तक करते हैं तो फोर हंड्रेड फिफ्टी फ़ाइव आएगा ऐसे देखो फिफ्टी वन से अगर हम सिक्सटी तक ऐड करेंगे तो फाइव हंड्रेड फिफ्टी फ़ाइव सिक्सटी वन से सेवेंटी तक करेंगे तो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फ़ाइव सेवेंटी वन से एट्टी तक करेंगे तो सेवन हंड्रेड फिफ्टी फ़ाइव तो ऐसे ही आपको इससे समझना है यहाँ से पूरा एड मत करना आप इसे ही समझ लो यहाँ से आगे ने कम्प्लीट कर दो तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर जो है चैप्टर एट शेप्स एंड पैटर्न कम्प्लीट हुआ आपको इस चैप्टर की रफ़ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ओके okay, स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नाइन के साथ थैंक यू